हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। क्या मुर्गी को पसीना आता है? इस सवाल का जवाब इसी वीडियो में। दूसरा, क्या मुर्गी बिना मुर्गे के अंडे देती है? इसका भी जवाब इसी वीडियो में। तीसरा सवाल, मुर्गी के घुटने किस तरफ मुड़ते हैं? उसका भी जवाब इसी वीडियो में। और चौथा फैक्ट जानेंगे हम कि कबूतर के अंडे कौन सेता है। तो अब वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, अंडा हैचरी पर जाता है, अंडे से चिक्स निकलता है, और जब चिक्स निकलता है तो उसको वैक्सीन होता है, और वैक्सीन होने के बाद कार्टून में पैक होके गर्मी के दिन में तरबूज रखकर बच्चा हमारे फार्म पर आता है, और हमारे फार्म आने के बाद हम जाग जाग के ब्रूडिंग करते हैं, मेहनत करते हैं, और धीरे धीरे करके बच्चों को बड़ा करते हैं। बड़ा करने के बाद फिर हमें और ज़्यादा मेहनत लगती है। जब गर्मी के दिन स्टार्ट हो जाते हैं तो फार्म के ऊपर हम घास पुआल डालकर या स्प्रे करके उसको ठंडा रखने की कोशिश करते हैं। क्या कारण है कि हम इतनी मेहनत करते हैं फार्म के मैनेजमेंट पर, फार्म को ठंडा रखने पर? क्योंकि अगर मुर्गियों को 41 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तापमान में रखा जाता है तो हीट स्ट्रोक के कारण मुर्गी की मौत होती है। यानी कि मुर्गी को पसीना नहीं आता है, वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। अब आपके सामने दूसरा सवाल। बिल्कुल सही पढ़ा आपने, क्या मुर्गी बिना मुर्गे के भी अंडा देती है? हाँ मेरे दोस्त, बिल्कुल अंडा देती है। यानी कि दोनों के मिलन के बाद जो अंडा आएगा उस अंडे से चूजा निकलेगा, चिक्स निकलेगा, और दोनों के मिलन के बिना जो मुर्गी अंडा देगी उसको बॉईल करके खाइए, आमलेट बना के खाइए। कोरोना काल चल रहा है, अपना इम्यून सिस्टम मजबूत करिए। यानी संडे हो या मंडे, रोज़ खाएं अंडे। तीसरा सवाल ये रहा स्क्रीन पर, मुर्गी के घुटने किस तरफ मुड़ते हैं? तो हमारे घुटने सामने की तरफ मुड़ते हैं, और हमसे जस्ट अपोजिट मुर्गी के घुटने पीछे की तरफ मुड़ते हैं। यानी स्क्रीन में दोनों घुटने एक साथ देखें, आदमी का घुटना सामने, मुर्गी का घुटना पीछे, मुर्गी का घुटना पीछे और हमारा घुटना सामने की तरफ मुड़ता है। तो हुआ ना एकदम अलग। तो अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कबूतर के अंडे कौन सेता है? यानी अंडों पर कौन बैठता है? तो मादा कबूतर ही अंडे देती है, मगर दोनों अंडों पर बैठते हैं। नर भी अंडों को सेता है और मादा भी अंडों को सेती है। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, और अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तरीका यह है, वीडियो चल रहा है उसके नीचे लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा, यहाँ उंगली रखेंगे, राइट साइड में बेल आइकन को दबाकर ऑल में कर लेंगे। और मुझसे जुड़ने का अगला तरीका यह है, ऊपर कॉर्नर पे टच करेंगे तो डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, नीचे आकर देखेंगे तो 9 व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक मिलेंगे, जहां पर मैं हर शाम 7 बजे से 8 बजे तक ऑनलाइन रहता हूं। मिलता हूं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद।